हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे होते हैं सेल के बारे में, सेल का शेप साइज, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल को स्ट्रक्चर के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। टॉपिक डालते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल्स कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स, है ना। यानी सेल को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए मान लो कि यह सेल हो गया, है? सेल मान लीजिए, या एमएस सेल की हम बात करेंगे, है ना। यह जो आउटर जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, आउटर जो ये लेयर है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस जो मेम्ब्रेन है इसके, और यह जो सेंटर पार्ट्स हम पढ़े हुए थे कि रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़े हुए थे, उन्होंने 1831 में ये सेल के अंदर, है ना, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ढूंढा जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा भाग हुआ? इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तीसरा जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी इसके स्ट्रक्चर या सेल का स्ट्रक्चर होगा, पढ़े हुए थे हम लोग कि सेल का कोई शेप और साइज जो होता है ना, वो फिक्स नहीं होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज होते हैं उनमें सेलों का जो शेप और साइज भी होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो फिक्स नहीं होता है ना। तो यह सेल का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो लेयर, जैसे कि हम लोग का स्किन है, स्किन का जो आउटर लेयर हो गया, उसी प्रकार सेल के अंदर का जो आउटर लेयर होता है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। आज हम लोग पहला जो इसका पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों। आज हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है, इलास्टिक में थोड़ा सा लचीलापन होता है इसके अंदर, बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है ना। और एक लिविंग सब्सटेंस होता है। इसको हम लोग, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, या इसको बायो मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज
ऑल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन या इसे हम बायो मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, है ना। एंड बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या है, आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर पार्ट होता है। आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इट इज अ लिविंग सब्सटेंस, क्या है, लिविंग 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 सब्सटेंस होता है और इलास्टिक होता है। इट इज इलास्टिक, इट इज इलास्टिक, इलास्टिक से बहुत सारे काम करते हैं, इसके अंदर लचीलापन पाया जाता है, बहुत ही मुलायम होता है, है ना। यह क्या है, इट इज सिलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। इट इज आगे पढ़ेंगे सिलेक्टिव परमिएबल क्यों कहा जाता है। इट इज सिलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल कहा जाता है इसे, है ना। आगे देखेंगे इसको सिलेक्टिव परमिएबल क्यों कहते हैं वो, ठीक है। इसको समझ लीजिए, पहले जो आउटर लेयर ऑफ द सेल होता है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। और ये कैसा होता है, इलास्टिक, बहुत ही लचीलापन इसके अंदर होता है, ठीक है ना, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना। यह क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, है ना। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको नोट कर लो बच्चों। अभी देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन है ना, वो जो टर्म था सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो टर्म नाम दिया है ना, एक साइंटिस्ट है ना जो जिनका नाम था कार्ल लगेली, है ना। इसमें डालेंगे हम लोग, है ना, सेल मेम्ब्रेन इज क्वाइन, इसके द्वारा किया गया था, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज क्वाइन बाय कार्नेगी, कार्नेगी दो साइंटिस्ट थे, एंड कार्ल क्रेमर इन 1855 में। ये जो हुआ, यह जो सेल मेम्ब्रेन का जो टर्म था वो साइंटिस्ट क्या था, कार्नेगी और कार्ल क्रेमर ने 1855 में इसका नाम सेल मेम्ब्रेन दिया। एक और साइंटिस्ट है उभार्टन, जिन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पता कि फॉस्फोलिपिड से बने हुए रहते हैं, यानी इसका जो लेयर होता है, या जो लेयर है वो किस चीज से बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से बने होता है। इसके अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो लेयर, जो आउटर, आउटर जो पार्ट होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड से होता है। इन 1895 में, है ना, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ओवर्टन, चार्ल्स, चार्ल्स ओवर्टन, ओवर्टन, इन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया, सजेस्ट किया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। ये इसका जो होता है, यानी इसका अंदर जो ये कह सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, या सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन्होंने बताया था, चार्ल्स ओवर्टन ने बताया था कि जो आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। फॉस्फोलिपिड है ना, ये फॉस्फोलिपिड किसके कारण दिया था, एक एक मॉडल निकला हुआ था जिसको, है ना, फ्लूइड मोसेक मॉडल कहा जाता है, फ्लूइड मोसेक मॉडल, फ्लूइड, फ्लूइड मोसेक मॉडल, है ना, फ्लूइड मोसेक मॉडल होता है। कब सजेस्ट किया गया था, 1972 में क्या फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, ये सिंगर एंड निकोलसन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर, सिंगर
एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, एक साइंटिस्ट है ना, निकोलसन, सॉरी सॉरी निकोलसन, निकोलसन निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन है ना, इन्होंने सजेस्ट किया है ना इसके अकॉर्डिंग आए कि फ्लूइड मोशेक मॉडल कब 1972 अकॉर्डिंग दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू मोशेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोर इसके अंदर है ना ये जो मॉडल निकला था इसके अकॉर्डिंग देखा गया इन्होंने बताया कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है यह बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है एंड टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं किसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो इसके अंदर क्या तो बाई लेयर होता है डबल लेयर होते हैं है ना डबल लेयर के प्रोटीन के बने होते हैं और एक लेयर का होता है इसके अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं आगे देखेंगे इसके बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई देखी जाए इसका जो थिकनेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अबाउट 7 नैनोमीटर होता है एंड देखा जाए तो 70 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 70 एंगस्ट्रॉम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है थिकनेस होता है मोटाई होती है ठीक है ना इसके अंदर बहुत सारे भी सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं यह काम क्या होता है पढ़ा ना इसके दो लेयर होते हैं पाए जाते हैं यह क्या करता है जो भी यूजफुल सब्सटेंस होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सब्सटेंस होता है वह क्या करता है सेल के अंदर आने देता है जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करता है सेल से बाहर करता है इसे देखा जाए कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन जो होता है कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है छोटे 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 माइक्रोस्कोपिकल होल होते हैं इसके अंदर क्या होता है माइक्रोस्कोपिकल होता है बहुत छोटे छोटे क्या होता है छिद्र होते हैं और इस छिद्र के द्वारा यह कैसा होता है इलास्टिक बड़े तरह इलास्टिक होता है तो बहुत सारे देखते हैं स्पॉन्ज होता है बहुत ज्यादा छिद्र होता है कैसा होता है मुलायम होता है छिद्र अगर नहीं हो होल नहीं हो तो क्या होगा मुलायम नहीं होगा हार्ड होगा उसी प्रकार इसके अंदर बहुत सारे टिनी होल्स होते हैं उसी टिनी होल्स के कारण कैसा होता है इलास्टिक होता है और उसी टिनी होल्स के द्वारा क्या होता है कुछ सब्सटेंस क्या करता है इन करता है और हार्मफुल सब्सटेंस क्या करता है आउट होता है यानी इन एंड आउट जो होता है इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होल्स होते हैं उसी होल्स के द्वारा होता है कुछ सब्सटेंस अंदर आते हैं और उसे सब्सटेंस जो यूजफुल है जो सेल के लिए जरूरत है ना और सेल के लिए जो हानिकारक है हार्मफुल है तो सेल के अंदर रहने का कोई काम मतलब नहीं बनता है इसलिए यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है उसको अलाउ करता है कि तुम बाहर चले जाओ और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर होता है ऑक्सीजन होता है उसके सेल के अंदर लेता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और वेस्ट मटेरियल्स आज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है ना और मेनिंग कैसे सबको क्या करता है सेल के बाहर करता है यानी सेलेक्ट करके सेलेक्ट करता है जो यूजफुल है उसको लेता है हार्मफुल है जो उसको बाहर करता है इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहता है क्या कहता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है क्या भाई तो ये सिलेक्ट करके यूजफुल सब्सटेंसों को सेल के अंदर करता है और हार्मफुल सब्सटेंसों को सेल के बाहर करता है बस बच्चों आज इतना ही भर फिर अगले बार हम देखेंगे सब फंक्शन देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होता है उसको हम देखेंगे और जो भी आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए है ना इस आई बटन पर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं और इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो इसको शेयर करें है ना लाइक करें और सब्सक्राइब करें ठीक है जो भी आपको सुझाव देना है ना जो भी समस्या हो समझने में आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं।